हाय गाइस, गुड इवनिंग। सॉरी थोड़ा लेट हो गया, 2 मिनट कुछ टेक्निकल इशू आ गया था जो मेरे साथ तो बहुत कॉमन होता है। एनीवेज, चलो गाइस आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का कुछ बायोटेक का थोड़ा सा पार्ट रह गया है, उसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हाफ हम थोड़ा बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? चलो गाइस शुरू करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर आनंद मणि है। मैंने अपनी MBBS वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से कम्प्लीट की थी। मेरी ऑल इंडिया रैंक 416 थी जब मैंने अपना मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दिया था, और मैं पिछले 4 सालों से नीट और एम्स एस्पायरेंट्स को ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? सेकेंडली गाइज, अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल इंस्टॉल नहीं किया है तो ये टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर से ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, ताकि आपको, अरे क्या हुआ, एक सेकेंड रुक जाओ यार। हाँ ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल इंस्टॉल कर लो, यहाँ पे आपको PDF मिल जाता है, और कल के मैराथन सेशन का भी PDF आपको यहीं पे मिल जाएगा, ठीक? सेकेंडली गाइज, मैं आपको एक और प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता हूँ जिसका नाम है अनअकैडमी प्लस। नाउ दिस इज़ अ प्लस प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया है, हम लोग एक क्रैश कोर्स लेके आए हैं फॉर नीट एंड एम्स एस्पायरेंट्स, क्रैश कोर्स 2020 फॉर नीट एंड एम्स एस्पायरेंट्स। और लेटेस्ट, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, कल अब आप लोग वो न्यूज़ का पेपर सर्कुलेट कर रहे हो, क्या कह रहे हो कि उसमें कि सर जो क्वेश्चन है पैटर्न वही होगा, क्वेश्चन पैटर्न चेंज नहीं होगा, एम्स के हिसाब से कुछ नहीं आएगा, SSC रीजन के क्वेश्चन नहीं आएंगे, GK के क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो जैसा नीट का पैटर्न था उसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन चलेगा सारा, ठीक है? तो क्रैश कोर्स नीट 2020 के लिए हम करने वाले हैं, ठीक है? जहाँ पर आपको 180 डे में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बिल्कुल बेसिक से, ऐसा नहीं है अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की तो वैसा क्रैश कोर्स नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। 6 महीना काफ़ी होता है शुरू से पढ़ाई करने के लिए दोनों साल। तो जो लोग अभी तक श्योर नहीं है, तो हम वहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी थरोली पूरी अच्छी तरीके से आपको इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने वाला है, ठीक है? सेकेंडली क्या आपको मिलेगा, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, डाउट सेशंस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगा जो आपको इवेल्युएट करेगा, और आपको हम 100+ टेस्ट देते हैं, एक टेस्ट नहीं 100+ टेस्ट देते हैं। मतलब आपका डेली प्रैक्टिस पेपर, टाउस टेस्ट सीरीज वगैरह सब आपको बहुत सारे प्रैक्टिस हो जाते हैं, ठीक है? सेकेंडली क्या है, आपको मेरे नोट्स मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है? ये कुछ एडुकेटर्स हैं जो आपको प्लस पे पढ़ाते हैं, बाकी आपको 100+ टेस्ट सीरीज मिल जाता है जैसा मैंने आपको बताया। सेकेंडली आपको करना क्या है, आपको अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करना है। यहाँ पे प्लस का प्लेटफॉर्म है, इस प्लस पे आप जाओ। प्लस पे जैसे जाओगे आपको गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लो। आपको 180 डे का प्लान लेना है क्योंकि आपको क्रैश कोर्स के लिए अप्लाई करना है, तो 6 मंथ का प्लान आप अपने हिसाब से ले सकते हो, ठीक है? गाइज, कुछ लोग 1 महीने का प्लान लेते हैं, यार 1 महीने का प्लान बहुत महंगा पड़ेगा। अगर तुम 1 महीने के हिसाब से करोगे तो कितना पड़ जाएगा तुमको, 36,000 का ये पड़ जाएगा। तो ये कोई पॉइंट नहीं है, तो आप लीजिए 6 मंथ का प्लान, कंटिन्यू कीजिए। आपको प्राइस दिखाएगा 24,000 फॉर 6 मंथ। यहाँ पे प्रोमो कोड यूज़ कीजिए आनंद लाइव, और आपको फटाक से मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। जैसे प्रोमो कोड यूज़ करोगे आप आनंद लाइव, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपको मेरी NCERT की नोट्स मिल जाएगी, और आप क्रैश कोर्स में इनरोल कर जाएंगे, ठीक है? तो आपको अगर क्रैश कोर्स में इनरोल करना है तो आप ये ज़रूर यूज़ करो, ठीक है? द इफेक्टिव अमाउंट जो होगा आपका वो 21,600 होगा। प्रोसीड टू पेमेंट करें और आप प्लस पे आ जाएंगे। सेम गोज फॉर टू ईयर प्लान 48,000 का। अगेन यहाँ पे प्रोमो कोड यूज़ कीजिए आनंद लाइफ, 48,000 में आपका जो अमाउंट है वो 43,200 का हो जाएगा विथ प्लस प्लेटफॉर्म, ठीक है? चलो गाइस, तो फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ये किया था, हमने मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस किया था, और आप लोगों को समझ में नहीं आया था। कितने लोग थे जिनको समझ में नहीं आया था मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, और मुझे फिर से पढ़ाने के लिए कह रहे हैं, जल्दी बताओ कितने लोग हैं जिनको मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस समझ में आया था, फिर से बताने के लिए कह रहे थे? कितने लोग थे जिनको मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस समझ में नहीं आया था और मुझे पढ़ाने के लिए कह रहे थे? क्या भाई मेरा वीडियो आई ना, आप लोगों को समझ में नहीं आया था? चलो बहुत कम लोग, तुम लोग क्या छुट्टी मनाने आ गए हो क्या यार, 9 लोग ही हो। हेलो प्रेरणा, हेलो मोहम्मद अली, हेलो तनिष्का, हेलो अनवर, हेलो साहिल, हेलो अनारकली, हेलो चलो देवांशु, गुड इवनिंग, बेचारे का फोटो चेंज हो गया है। हेलो शुभांकर, थैंक यू, चलो चलो सुरेश, रवि भारती, सर क्या अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने पर मैं आपके पहले वाला कोर्स देख सकता हूँ? बिल्कुल रवि, आप पहले वाले कोर्सेज भी
अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने पे देख सकते हैं, ठीक है। कितने लोगों को समझ नहीं आया अभी तक, पहले ये बताओ, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस समझ में नहीं आया ये बताओ जल्दी, फिर हम लोग शुरू करते हैं। 3 आवर सेशन के बाद एग्जॉस्ट हो गया है इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया, चलो कोई नहीं कोई नहीं, सब आ जाएंगे सब आ जाएंगे। हेलो रोशन, चलो गाइस जल्दी जल्दी आ जाओ फिर शुरू करते हैं यार। हाँ क्या ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस समझ में आया या नहीं आया, आगे बढ़े ये बता दो। हेलो तन्वी, सॉरी दिखा नहीं बाबू। हेलो अमन, चलो चलो जल्दी बताओ जल्दी बताओ यार, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस शुरू करना है। चल हाँ देखो तो हुआ क्या था, आप सुनो, चलो मैं बना ही देता हूँ। हाँ देखो, दो चीज हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोगों ने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, मेडिसिन में हम लोग इंसुलिन पढ़ा था। क्वेश्चन करवाइए अनिकेत बेटा, क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन पहले कंप्लीट तो करना होगा ना, कंप्लीट नहीं किया है, थोड़ा सा बचा हुआ है उसके बाद क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। हाँ जी अमन क्या है, गुड इवनिंग अमन। हाँ हाँ रेसिडेंट इविल क्या हुआ भाई, क्यों दुखी हो तुम लोग। हाँ चलो सुनो 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 सुनो, हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं निहारिका, चलो कोई नहीं, आ जाओ जाओ जल्दी फटाक, तुम लोग सब सो गए हो, हाँ जाग जाओ थोड़ा, फिर से एकदम एनर्जेटिक होके हम लोग शुरू करते हैं। हाँ क्या है भाई, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, देखो हुआ क्या था, सुनो क्या देखे थे हम लोगों ने, देखा था कि मेडिसिन में बायोटेक्नोलॉजी का क्या इंपैक्ट होता है। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कैसे होता है, अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कैसे होता है। लास्ट क्लास में हमने दो चीज़ पढ़ा था, एक एलाइजा पढ़ा था और दूसरा आपने मुझे, अरे तन्वी नहीं क्यों इग्नोर करेंगे तुम्हें भाई, अच्छा काजल सॉरी, सबका एकदम नाम तुम अटेंडेंस ही लगवा लो, ठीक है, काजल टेक तन्वी टेक है ना, चल जाएगा। हाँ गुड इवनिंग चेतन, चलो शुरू करते हैं यार गाइस, है ना, 10 मिनट हो गया ऐसे ही, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में दो चीज़ आया, पहला मेरा आया कौन सा, पहला मेरा आया एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, और दूसरा आया PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, हम इन दोनों की बात करेंगे, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे और PCR की बात करेंगे, ठीक। तो क्या हुआ था, हम देखे थे कैसे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस होता था, कैल्शियम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस होता था, तो हम क्या होता था कि हमने एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखा, ये मेरा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता था, ध्यान से सुनना, कल भी तुम लोग को समझ में नहीं आया था, फिर से बता रहे हैं, ये मेरा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। अच्छा 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 ठीक है, ये एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है और ये दोनों एंटीबॉडी मॉलिक्यूल आपस में जुटे हुए हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड से। यहां पे इसके पड़ा होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट, यहां पे इसके पड़ा होता है एंटीजन एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक। अब देखो होता क्या है, अब जब इसके एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है तो इस एंटीजन के स्पेसिफिक ये होगा नहीं, आरेगा क्विज होगा, पहले कंप्लीट तो कर लें, चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है ना, उसके बाद क्विज करते हैं ना, बस चैप्टर कंप्लीट करने दो। हाँ चलो ठीक है, हाँ तो क्या हुआ, तो ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, ये ठीक है, और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनता है, तो हर एंटीजन के स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनता है, हर एंटीजन के स्पेसिफिक मेरा एंटीबॉडी बनता है। तो अगर मान लो कि ये मेरा एंटीजन है और इसके स्पेसिफिक मेरा एंटीबॉडी बन रहा है मेरे बॉडी में एंटीजन एंटर करने के पहले, तो बहुत टाइम पीरियड होता है, सपोज मान लो कि देवांशु को HIV हो गया, ठीक है, पहले भी हो चुका है 2-3 बार, फिर से हो गया, ठीक। अब इसको सिम्टम शो करने में 8 से 10 साल लगेगा,
अब ये इन 8 से 10 साल में जहां जहां मुंह काला करेगा उसको भी एचआईवी हो जाएगा, प्लस जब इसको पता चलेगा कि कब इसको बीमारी हुआ है तब तक तो बहुत देर हो गया, तब तक फुल ब्लोन एड्स हो जाएगा, तब तक कोई बचाने का तरीका नहीं रहेगा, ठीक है, तब तक बचाने का तरीका नहीं रहेगा। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको प्रिवेंट करने के लिए हम इसका टेस्ट करते हैं, हम या तो इसका पीसीआर कर सकते हैं या तो हम इसका एलाइजा से पता करते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, इस एचआईवी या इस रेट्रोवायरस, इस रेट्रोवायरस के स्पेसिफिक, इस रेट्रोवायरस के स्पेसिफिक हम क्या देखेंगे, हम एंटीबॉडी देखेंगे मेरा बॉडी प्रोड्यूस करा रहा है कि नहीं। अगर इस रेट्रोवायरस के स्पेसिफिक एंटीबॉडी हमको बॉडी में मिल रहा है मतलब एचआईवी पॉजिटिव है, अगर इस रेट्रोवायरस के स्पेसिफिक एंटीबॉडी हमको नहीं मिल रहा तो मतलब ये नेगेटिव है। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हम करते हैं एलाइजा के लिए और इसी चीज में यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं पीसीआर। ये ज्यादा और एक्यूरेट टेक्नोलॉजी होता है, जिसको हमने पढ़ा था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो हम क्या करते हैं कि हमको जेनेटिक सीक्वेंस पता है म्यूटेटेड जीन का। मान लो कोई मेरा म्यूटेटेड जीन है जो डिजीज कॉज कर रहा है, ये मान लो मेरा म्यूटेटेड जीन है जो डिजीज कॉज कर रहा है, ठीक है। अब इस म्यूटेटेड जीन के कॉम्प्लीमेंट्री हम एक प्रोब बना लेंगे। प्रोब पता है क्या होता है, इट इज अ रेडियो एक्टिवली लेबल मोनोलॉग, ठीक है। तो हम इसके एग्रीगेटेड एक प्रोब बना लेंगे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक प्रोब बना लेंगे और इस प्रोब से हम काम करेंगे, ठीक है, इस प्रोब से हम काम करेंगे। तो अब क्या होगा कि मान लो मेरा ये जेनेटिक जीन है, ये मेरा पूरा डीएनए है, अब जब ये रेप्लिकेट करेगा, जब इसका हम पीसीआर कराएंगे, तो अगर इसके पास म्यूटेटेड जीन प्रेजेंट होगा, तो इसके पास म्यूटेटेड जीन प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, वो डीएनए के साथ कहीं पे बाइंड कर जाएगा और वो रीजन मेरा रेडियो एक्टिविटी शो करेगा, मतलब वो रीजन मेरा यहाँ पे चमक जाएगा। तो अगर मेरा प्रोब डीएनए के साथ बाइंड कर रहा है मतलब उस डीएनए के पास म्यूटेटेड जीन था, अगर मेरा प्रोब डीएनए के साथ बाइंड नहीं कर रहा मतलब उस डीएनए के पास म्यूटेटेड जीन नहीं था। तो इस चीज को आपको याद रखना है, इस तरह से हम एलाइजा और पीसीआर करते हैं। आया समझ में या नहीं आया पूछो, कुछ समझ नहीं आया तो पूछो और समझ आया तो पूछो। हाँ जी, समझ में आया। क्या अर्लियर डिटेक्शन, हाँ बिल्कुल अनारकली, अर्लियर डिटेक्शन पता है, कैसे पता चला देवांशु का, इसी तरह से तो पता चला, अर्लियर डिटेक्शन से ही पता चला जो अभी फैक्ट हो गया। हाँ चलो ठीक है, तो दिस इज हाउ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो यही देखो बता रहा है क्या, यही देखो एनसीईआरटी माता क्या बोलती है, एनसीईआरटी माता बोलती है कि अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए टैग्ड विथ अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल is allowed to hybridize to its complementary strand and is followed by detection using autoradiography। मतलब एक DNA का strand था, उस पर हम एक probe लगा दिए, probe तब चिपकेगा अगर मेरे पास mutated gene है, अगर mutated gene नहीं है तो probe नहीं चिपकेगा, probe नहीं चिपकेगा तो autoradiography पे हमको कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। अगला, ELISA is a principle based on एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन इन्फेक्शन बाय पैथोजन एंड कैन बी डिटेक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, ठीक। तो ये मेरा एलाइजा और पीसीआर हो गया। चलो अगला आते हैं, हेलो अनुराधा, चलो चलो मोटिवेशन। बेटा कल 3 घंटा तुम मेरा मोटी और वेशन सब निकाल दिए और अभी मोटिवेशन चाहिए तुम लोग ना, हम कुछ ना बाबा बन जाएंगे, नहीं होता रामदेव बाबा, ज्ञान ही देना है तो फिर क्या फायदा है ना बेटा, सब मोह माया है। एनीवेज देखो, हाँ अगला आते हैं ट्रांसजीनिक एनिमल। सुनो अब आते हैं ट्रांसजीनिक एनिमल। अब देखो जानवर सबके साथ कैसा दुर्व्यवहार हो रहा है, देखो क्यों हमको जरूरत है ट्रांसजीनिक एनिमल का। हाँ जी देखो क्या होता है, होता क्या है ना, ट्रांसजीनिक एनिमल, ट्रांसजीनिक एनिमल मतलब एक एनिमल जिसमें मेरा ट्रांस जीन है। जैसे क्या करते हैं कि हमको मान लो पिग से मिट्रल वैल्व लेना पड़ता है, एक पिग होता है, इस पिग से हमको मिट्रल वैल्व लेना होता है ट्रांसप्लांट के लिए, ठीक है। तो नॉर्मल पिग से अगर हम मिट्रल वैल्व लेंगे
तो मेरे बॉडी में उसके रिजेक्शन का चांसेस ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, हम ट्रांसजीनिक पिग से मिट्रल वैल्व लेते हैं, राइट। नॉर्मल पिग से अगर हम मिट्रल वैल्व लेंगे तो मेरे बॉडी में उसका रिजेक्शन का चांसेस ज़्यादा है, तो हम एक ट्रांसजीनिक पिग से वो मिट्रल वैल्व लेते हैं। तो इस तरह से काम करता है। तो इसी तरह की तो बहुत सारा चीज़ का, पहला कि किसी बॉडी का नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट के लिए हम ट्रांसजीन का यूज़ करते हैं। जैसे सपोज मान लो कि किसी का कोई ट्यूमर ग्रो कर रहा है, अगर मान लो किसी बॉडी में ट्यूमर ग्रो कराना है तो हम क्या करेंगे, हम एक माइस लेंगे, ठीक है, इस चूहा में वो म्यूटेटेड जीन डालेंगे और ड्यू टू दिस म्यूटेटेड जीन ये चूहा मेरा क्या हो जाएगा, ट्यूमर डेवलप करेगा। अब इस ट्यूमर से हम देखेंगे कि ये चूहा कितने दिन में मर जाता है, ट्यूमर का क्या साइज है, ट्यूमर कैसे रिएक्ट कर रहा है, तो हम उस डिजीज़ का या हम उस बॉडी का फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट देख पाते हैं ड्यू टू ट्रांसजीन। तो ये पहला फ़ायदा होता है कि नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट हम देख पाते हैं। जैसे मान लो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन कैसे काम करता है, ठीक है, या इंसुलिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, या किसी और ऑर्गेनिज्म का फॉर्मुलेशन कैसे होता है, या अल्फा वन ट्रिप्सिनोजन का फॉर्मूला कैसे होता है। हाँ जी, पिक से लेते हैं, बिल्कुल। अंकित, मिट्रल वैल्व होता है बाइकस्पिड वैल्व, बाइकस्पिड वैल्व को मिट्रल वैल्व या माइट्रल वैल्व कहते हैं, ठीक है, बाइकस्पिड वैल्व। तो जनरली क्या होता है ना कि बाइकस्पिड वैल्व खराब हो जाता है, तो हम दो तरीके से कह सकते हैं, एक तो सिंथेटिक प्लास्टिक वाला मिट्रल वैल्व ले सकते हैं या पिग वाला मिट्रल वैल्व लेते हैं, ठीक है। तो पिग वाला मिट्रल वैल्व लेने का फायदा होता है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, पिग का मिट्रल वैल्व आप लेते हैं तो आप बच्चा पैदा कर सकते हैं, बट अगर प्लास्टिक वाला मिट्रल वैल्व लेते हैं तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता और आप बच्चा पैदा नहीं कर पाते। तो पिग के मिट्रल वैल्व में क्या होता है, हम ट्रांसजेनिक पिग लेते हैं और उसका मिट्रल वैल्व लेते हैं। ट्रांसजेनिक मतलब हम उस इंसान का जीन ऑफ इंटरेस्ट डाले और उसके हिसाब से पिग बनाया है जो हम लोग के मिट्रल वैल्व की तरह मिट्रल वैल्व प्रोड्यूस करेगा और उसको हम फिर बॉडी में लगाते हैं। तो ये मेरा ट्रांसजीन होता है, मतलब किसी जानवर में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालो ताकि हमको उससे उसका डिजायर्ड प्रोडक्ट मिले, तो उसको हम ट्रांसजीनिक एनिमल कहते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, जैसे देखो दूसरा कहते हैं स्टडी ऑफ डिजीज, अगर किसी बीमारी को हमको पढ़ना होता है तो अभी हम ट्रांसजीन यूज करते हैं। क्या होता है कि चूहा प्रोड्यूस करते हैं हम, ठीक है, तो अगर सपोज मान लो हमको अल्जाइमर्स पढ़ना है तो अल्जाइमर्स के केस में हम क्या करते हैं कि सपोज मान लो कि किसी, अब एक चीज ढूंढना कितना मुश्किल हो जाएगा, को हम चूहा ढूंढें, पहले तो हमको ढूंढना पड़ेगा कि चूहा को अल्जाइमर्स है, फिर उसके बाद उसमें भी उसके बच्चे का होने का प्रोबेबिलिटी है कि नहीं प्रोबेबिलिटी है ये भी ढूंढना पड़ जाएगा। तो अगर हमको कोई डिजीज़ पढ़ना है तो पहले तो हमको उसको होस्ट में वो डिजीज़ डालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम अल्जाइमर्स वाला चूहा प्रोड्यूस कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, जो जीन फॉर अल्जाइमर है वो चूहा में डाल दिए, तो अब जो चूहा प्रोड्यूस हो रहा है उसको अल्जाइमर्स है। अब हम उस पर ड्रग टेस्टिंग कर सकते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका क्योर कितना हुआ। तो इसी तरह हम ट्रांसजीन का काम करते हैं। क्या हुआ प्रद्युमन, अन्य अल्जाइमर चिंपैंजी बाबू अलाउड नहीं है, चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट ड्रग ट्रायल अलाउड नहीं, ड्रग ट्रायल चूहा रैबिट जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उस पे अलाउड नहीं है, ठीक है। ड्रग ट्रायल का देखो फेज होता है, सबसे पहले अगर हम करते हैं मैमल्स पे करते हैं, ठीक है, तो मैमल्स में सबसे पहले हम चूहा पे करते हैं, ठीक है, या तो माइस पे करेंगे, ठीक है, या तो रैबिट पे करेंगे, ठीक है। अच्छा, पता है पहले प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे होता था, बहुत पहले जब हम लोग मतलब सेकेंड ईयर में भी जाओगे तो वो करना होता है कि किसी औरत का अगर पता करना है, तभी तो SCG वाला वो टेस्ट डिटेक्टर नहीं आया था। तो कैसे पता करते थे कि कोई औरत प्रेग्नेंट है कि नहीं है, पता है किसी को, किसी को पता है पहले प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करते थे, जल्दी बताओ, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ बेटा चल बात कर लेंगे, अभी पहले क्लास ले लेते हैं, क्लास के बाद हम लोग तुमसे बात करेंगे पहले। हाँ, पहले कैसे करते थे प्रेगनेंसी टेस्ट, रैबिट का यूज करते थे, कैसे यूज करते थे कोई बताएगा। जल्दी बोलो, किसी को पता है, हाँ या नहीं, नहीं पता तो लिख दो नहीं पता, नो सर। इंद्रजीत, आप तो एम्स का कुछ करा नहीं, तो VMMC इंटरनल PG है। थैंक यू कंगन, नहीं पता नहीं पता। सुनो देखो क्या करते थे, पहले क्या होता था, पहले SCG डिटेक्ट नहीं कर पाते थे हम लोग, तो हम लोग क्या करते थे,
जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसका ब्लड लिए और उसका ब्लड हम रैबिट में इंजेक्ट कर देते थे, उसका ब्लड हम रैबिट में इंजेक्ट कर देते थे। अगर रैबिट मर जाता है, मतलब औरत प्रेग्नेंट है, अगर रैबिट जिंदा रहता है तो औरत प्रेग्नेंट नहीं है। रैबिट क्यों मरेगा जरा रीजन बताना हमको, कोई बताओ भाई रैबिट क्यों मरता है, क्या कॉज हो सकता है रैबिट के मरने का? ऑल इज वेल बोल के, हाँ बेटा सही है, ज्यादा सिनेमा देखोगे हिंदी मूवी तो यही होगा। समझ में आया? तो पहले अगर बच्चे का पता करना होता तो इसी तरीके से क्यों होता था, हाँ होता क्या था ना उसमें कि उसका जैसे इस्ट्रोजन उसके बॉडी में ज्यादा हो जाता था, चूहा के रैबिट के लिए वो इस्ट्रोजन का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, तो उसका हार्ट बीट धक 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 बढ़ जाता था, हार्ट बीट बढ़ता था उसका हार्ट कार्डियक अरेस्ट में चला जाता था और वो हार्ट अटैक से मर जाता था चूहा, खरगोश, ठीक है। तो खरगोश जनरली, खरगोश का हार्ट बहुत कमजोर होता है, खरगोश बहुत जल्दी हार्ट अटैक से मरता है, तो इसलिए खरगोश बेचारा हार्ट अटैक से मर जाता था ड्यू टू हाई क्वांटिटी ऑफ इस्ट्रोजन। ना ना कोई आरएच फैक्टर नहीं, कुछ नहीं इस्ट्रोजन की वजह से, नहीं नहीं एससीजी तक बात ही नहीं पहुंचा था, बात क्या हो रहा था यहीं पे, ये वो इसमें ही, मतलब इस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होगा ना, इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा होगा, तो अगर इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा होता है तो चूहा को हार्ट अटैक आ जाएगा, चूहा मर जाएगा, सॉरी चूहा रैबिट। हाँ तो रैबिट अभी तुम लोग डिसेक्शन करते हो ना, सेकेंड ईयर में हम लोग जाते हैं तो पैथ के लैब में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट रैबिट पे होता है, बहुत सारे टेस्ट हम रैबिट पे करते हैं, तो हम लोग तो रैबिट रखते हैं ना, तो रैबिट तो तुमको मारना ही पड़ेगा, तुम देख लोगे सेकेंड ईयर तुम लोग एक रैबिट पकड़ा देगा, ठीक है, मेडिकल कॉलेज में जब जाओगे तो। और उसके बाद फिर यू हैव टू इंजेक्ट इट विद समवन, कभी कभी हम इस्ट्रोजन इंजेक्ट करते हैं उसमें, कभी डोपामिन डालते हैं, तो हम रिसेप्टर डाल के देखते हैं रैबिट का बिहेवियर कैसा है, रैबिट इज क्लिनिकली अप्रूव्ड, हम रैबिट पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्योंकि रैबिट इंडेंजर्ड स्पीसीज नहीं है। उसको खा सकते हो? किसको खाओगे भाई, बाप रे बाप, रैबिट कौन खाता है, हदाले इतना क्यूट सा होता है यार तुम लोग, बट ठीक है। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट करते हैं, स्टडी ऑफ डिजीज करते हैं, तीसरा हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए इसको यूज करते हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैसे? तो पहला हम अल्फा वन ट्रिप्सिन ये अल्फा वन ट्रिप्सिन यूज करते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इम्फाइसेमा, जो क्रॉनिक इंफ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है, तो एम्फाइसेमा के लिए हम ट्रीट करते हैं। फिनाइल कीटोनोरिया के लिए भी हम ट्राई कर रहे हैं, बट अभी फिनाइल कीटोनोरिया के लिए कोई खास उपलब्धि मिला नहीं है, ठीक है। फाइनली फिर एक गाय थी हमारी, ट्रांसजीनिक गाय, जिसका नाम था रोजी। रोजी क्या होता, 2.4 ग्राम मिल्क पर लीटर, 2.4 ग्राम प्रोटीन वाली मिल्क देती थी, तो मिल्क में इसके प्रोटीन ज्यादा था, इसको हम कहते थे अल्फा लैक्टालब्यूमिन, ठीक है। तो ये रोजी चाची जो थी, रोजी चाची 2.4 ग्राम पर लीटर मिल्क देती थी, विच वॉज रिच इन ह्यूमन अल्फा लैक्टालब्यूमिन, विच वॉज न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड टू ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काउ मिल्क, ठीक है। तो हम रोजी बनाए जो रोजी न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए, तो पहला हम अल्फा वन ट्रिप्सिनोजन किए इम्फाइसेमा के लिए, रोजी चाची की है हम मिल्क के प्रोडक्शन के लिए। तो चार काम हुआ, पहला हुआ कि मतलब नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट करा रहा है, स्टडी ऑफ डिजीज करा रहा है, तीसरा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स करा रहा है, अलग अलग बायो हम ग्रोथ फैक्टर के लिए करते हैं, इंसुलिन के लिए करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए हम जानवर में जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं और उस तरह के जानवर को हम ट्रांसजीनिक एनिमल कहते हैं, ठीक है। अगला हम करते हैं वैक्सीन सेफ्टी, अगेन फिर यही चीज है कि हम चेक करने के लिए कि वैक्सीन सेफ है कि नहीं, उसके लिए भी हम ट्रांसजीनिक एनिमल का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी ड्रग ट्रायल का जो हायरार्की होता है वो ऐसे जाता है, पहले चूहा में करते हैं, माइस या रैबिट में, ठीक है, रैबिट के बाद उसके बाद फिर एप्स में करते हैं, और एप्स के बाद फिर हम करते हैं ह्यूमन में, और बहुत पैसा मिलता है इस ड्रग ट्रायल के लिए, बहुत ज़्यादा नॉर्म्स है इंडिया में, दुनिया में इस ड्रग ट्रायल के लिए, जो बहुत पंगा होता है, ठीक है। तो ये हम लोग करते हैं, मतलब माइस रैबिट और उसके बाद ह्यूमंस पे करते हैं। तो अब पता है सबसे खराब बात क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई ड्रग ट्रायल कर रहे हैं, सुन लो ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है बट जानकारी के लिए सुन लो, एक ड्रग ट्रायल करते हैं, तो ड्रग ट्रायल में होता क्या है कि सपोज मान लो ड्रग ट्रायल में क्या करते हैं कि सपोज मान लो
कि दो ग्रुप होता है, ठीक है, एक ग्रुप होता है मेरा नॉर्मल और एक ग्रुप होता है मेरा कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। किसी को पता नहीं रहता कौन नॉर्मल ग्रुप में है कौन कंट्रोल ग्रुप में, पता है। और नॉर्मल ग्रुप वाले को हम दवाई एक्चुअली देते हैं और कंट्रोल ग्रुप वाले को कुछ नहीं देते हैं, शुगर पिल देते हैं, शुगर पिल देते हैं। क्यों ऐसा हम करते हैं कि मतलब आधे आदमी को ही नॉर्मल दवाई देंगे और दूसरे कंट्रोल ग्रुप वाले को हम कोई दवाई नहीं देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? जब हम ड्रग ट्रायल करते हैं ह्यूमन का तो दो ग्रुप हम बनाते हैं, एक नॉर्मल ग्रुप होता है और एक कंट्रोल ग्रुप होता है। किसी को नहीं पता होता कौन सा नॉर्मल ग्रुप है या कौन सा कंट्रोल ग्रुप है, और इन लोग को भी नहीं पता होता, लोग को भी नहीं पता होता जो ड्रग ट्रायल में, ठीक है। और बट हम ऐसा करते क्यों हैं, क्यों हमको एक कंट्रोल ग्रुप चाहिए जहां पे हम उसको कोई दवाई नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, तो रखे क्यों हैं? बताएगा कोई क्या? डॉग्स में नहीं करते बेटा, हाँ हर्षिता को बाद में स्टैंड आउट करना, कल ही लड़का इसी हरकत के कारण ब्लॉक हुआ था। हाँ सुनो, बताओ बताओ जो पूछा उसका जवाब दो, क्या है कि जो वैक्सीन सेफ्टी हम क्यों करते हैं ऐसा, मतलब कि हम दो ग्रुप लगाते हैं, एक नॉर्मल ग्रुप होता है एक कंट्रोल ग्रुप होता है, ऐसा क्यों करते हैं? बोलो भाई, तुम लोग सब सो रहे हो आज, कल ही एनर्जी था मेरे था तुम लोग को भी। सर क्या बेचारा हार्ट अटैक से नहीं मर जाए? अच्छा कोई नहीं, पीडीएफ आ जाएगा बाबू, उससे भेज देते हैं, आज करा देंगे। सर आएगा, न्यूज़ आई है कि एनसीईआरटी से बाहर को भी, अब 16 को न्यूज़ आई थी की तरफ से अपडेट आई है, क्या अपडेट आई भाई? कुछ नहीं आया अपडेट, ताकि असर ज़्यादा हो। हाँ क्या होता है, देखो सुनो सुनो सुनो, हो क्या रहा था, होता क्या, इसका बताओ क्या हो रहा था, कि मतलब जब किसी भी ड्रग ट्रायल करते हैं, किसी भी ड्रग ट्रायल का बात करते हैं ना, तो एक ग्रुप होता है जहां पे जिसको हम दवाई देते हैं और दूसरा ग्रुप होता है जिसको हम शुगर पिल, समझो एक तरह से चीनी खिला रहे हैं, उसको पता ही नहीं चलेगा उसको दवाई मिल भी रहा है कि नहीं रहा है, या तो हम उसमें सलाइन चढ़ा देते हैं या नॉर्मल, मतलब उसको बेवकूफ बना देते हैं, ठीक है। और दोनों में से किसी को नहीं पता रहता वो नॉर्मल ग्रुप है या कंट्रोल ग्रुप है, ऐसा क्यों करते हैं? जल्दी रीजन बताओ, तुम लोग कल को साइंटिस्ट बनोगे। तो कंट्रोल में कुछ है ही नहीं फंक्शन, देखो एक आदमी है, सपोज मानो, देखो देखो देखो, तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो मैटर, एक आदमी है एक देवांशु है, ठीक ठीक है, और दूसरा हर्षिता है, ठीक। दोनों को इस बार हो गया एक बीमारी जिसका नाम है हंटिंगटन कोरिया, दोनों का हो गया बीमारी, इसका नाम है हंटिंगटन कोरिया, ठीक है। अब हम क्या किए, ये दोनों ड्रग ट्रायल पे आए, हंटिंगटन कोरिया का कोई इलाज नहीं है, तो जिनको बीमारी हो जाता है और पता है कि ये टर्मिनल डिजीज है जिसमें मरना पक्का है, ठीक है, हंटिंगटन कोरिया में आदमी मर जाता है बहुत जल्दी, ठीक है। तो अब जिसको पता है कि इसका मरना पक्का है तो वो लोग ड्रग ट्रायल के लिए साइन अप कर देते हैं, व्हाट डू दे हैव टू लूज, हो सकता है काम कर जाए, हो सकता है काम नहीं करे, ठीक है। तो अब मान लो कि एक आदमी इसमें से नॉर्मल ग्रुप में, एक आदमी इसमें से कंट्रोल ग्रुप है, तो मान लो जिसको, जो नॉर्मल ग्रुप में है इसको मेडिसिन मिल रहा है और जो कंट्रोल ग्रुप में है इसको मेडिसिन नहीं मिल रहा, तो डिफरेंस क्या होगा? इसको मेडिसिन नहीं मिल रहा तो, और लेकिन पता दोनों में से किसी को नहीं है कि किसको मेडिसिन मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा, हम ऐसा क्यों करते हैं? हम तो अगर हमको किसी का टेस्ट करना है तो हम दोनों को मेडिसिन दे देना, अगर ठीक होगा तो दोनों ठीक हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, ऐसा क्यों करते हैं? हंटिंगटन कोरिया बोले थे वाली, हंटिंगटन नहीं। एक्चुअली ह्यूमन माइंड पॉजिटिव होगा तो मेडिसिन काम करेगा। अच्छा ओहो, ये तो सर साइकोलॉजी घुस रहे हैं मेडिसिन में, बट नालायक, नहीं पता नहीं पता। सुनो देखो होता क्या, किसी को पता है इस वर्ड का मतलब, प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब पता है क्या किसी को? प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब पता है क्या किसी को, हाँ या नहीं? प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब पता है क्या किसी को? ट्रायल ले रहे हैं कि ठीक हो जाएगा तो अच्छी बात है। हाँ नहीं पता है, देखो देखो सुनो, होता क्या है ना कि सपोज मान लो कल को, कभी क्या होता है ना, बहुत ज्यादा बहुत बार ऐसा किए हैं, ठीक है, कभी क्या होता है कि सपोज मान लो कि खासकर मेरे भाई के साथ ही ऐसे बोल देगा, हमको सर में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। तो क्या होता था कि
कुछ भी ऐसा कोई भी दवाई, तो मतलब शुगर पिल हो, देखो ना होम्योपैथी दवाई होता है, तो तुम क्या होता है कि मेरे बॉडी के पास बड़ा माइंड हीलिंग का पावर होता है। अगर तुम आज दिमाग को बेवकूफ़ बना देते हो कि आप ठीक हो रहे हैं, तो आप एक्चुअली ठीक होने लगते हैं। दैट इज कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। मतलब कि सपोज मान लो कि होम्योपैथी दवाई देखिए ना, अगर मान लो होम्योपैथी दवाई के बदले हम कुछ पानी भर दिए, ठीक है, और बोले कि अच्छा क्या पेट में दर्द है, लो दो बूंद लो बेटा, दर्द ठीक हो जाएगा। और आदमी एक्चुअली उसका दर्द ठीक हो ना हो, उसके साइकोलॉजिकली लगेगा नहीं, उसका दर्द ठीक हो रहा है। इसको हम प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, और इसी चीज को हम मॉनिटर करते हैं कंट्रोल ग्रुप से। ठीक है, कल को कोई आदमी है और उसको क्या होगा, उसको लगेगा कि भाई कि उसको उल्टी हो रहा है, नॉजिया हो रहा है, अगर हम बोल दिए कल को कि ड्रग का साइड इफेक्ट हो रहा है, तो जबरदस्ती का वो साइड इफेक्ट बताएगा। तो हम क्या करते हैं कि हम इससे पूछते हैं, भाई क्या क्या तुमको दिक्कत हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है और क्या क्या फायदा हो रहा है। ठीक है, और इससे भी हम पूछते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है और क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है, और इसका वाला जो प्रॉब्लम और बेनिफिट है उसको हम काट देते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल ग्रुप पे है। मतलब इसका जो इफेक्ट आ रहा है उसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। तो ये बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम होता है प्लेसिबो इफेक्ट वाला ड्रग ट्रायल में। ड्रग ट्रायल में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्लेसिबो इफेक्ट। आया सबको समझ में? हाँ या नहीं? आया सबको समझ में? बिल्कुल सही संकेत, बिल्कुल सही। अच्छा, प्लेसिबो इफेक्ट तो चैनल ही प्लेसिबो है ये तो। तो ठीक है, तो यहाँ पे प्लेसिबो पे यही हो रहा है कि तुम लोग को लगेगा तुम लोग का नीट का सिलेक्शन हो रहा है, बट समझ लो समझदार हो। हाँ, तभी तो बोल रहे हैं ना, तुम लोग को लगेगा यहाँ पे सिर्फ नीट का वो हो रहा है, बाकी तुम लोग समझदार हो। चलो अगला अगला आते हैं एथिकल इश्यूज। अब क्या हो रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग करके अपेरेंटली हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का कुछ भी करा सकते हैं ना, कोई भी मोटिवेशन या चेंजेस कर सकते हैं। तो कल को मान लो अब तुम लोग कोई एक था, कोई आदमी, कोई साइंटिस्ट हो जाए, वो बोले कि भाई आज कुछ तूफानी करते हैं, तो कुत्ता और घोड़ा का बच्चा पैदा करा दिया या कुछ भी करा दिया यार। मतलब जेनेटिकली तुम कुछ भी कर सकते हो, भाई हमको ऐसा कुत्ता चाहिए जिसका कान ऐसा हो, या ऐसा कुत्ता चाहिए जिसका सूंड हो, ठीक है, तो मेरा मन है। तो इसलिए किस तरह का इको या बायोडायवर्सिटी हैम्पर ना हो, इसलिए एक कमिटी बना जो इस सब चीज़ों का ध्यान रखता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। ठीक है, कल को हमको मान लो तुम लोग में से किसी का बच्चा बच्चा ऐसा चाहिए जिसका पूंछ हो, तो मेरे मानने से थोड़ी हो जाएगा, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग पे एक एथिकल इशू या एक एथिकल कंपोनेंट डाल दिया कि हम किसी जानवर का ऐसे शोषण नहीं कर सकते, मतलब हम पहले अप्रूवल लेके ही उसको करा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। आप कितना गंदा पढ़ाते हो। अच्छा अंकित, थैंक यू, कितना अच्छा जानकारी है। क्या हुआ साहिल, क्या समझ में नहीं आया? हाँ जी, ठीक है, चलो। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी विच विल मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस। तो यही करता है ये जीएम क्रॉप। क्या करता है कि जो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो भी सामान है, जो भी सामान हम बना रहे हैं प्रोडक्ट, उसका हमको अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हम उसमें जेनेटिक म्यूटेशन करा सकते हैं या नहीं, या उसके साथ हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करा सकते हैं नहीं, क्योंकि देर इज एन एथिकल आस्पेक्ट टू इट। बस इसमें ये लाइन आपको याद रखना है, इसका क्या क्या पॉइंट याद रखना है ये करना है। तो क्या क्या ये करेगा भाई, कि पहला कि ये चेक करता है, पहला पॉइंट रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट द मोर्टैलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज दैट हेल्प और हार्म द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि मतलब कुछ ऐसा ऐसा अमर सा चीज ना बना दो आप, ठीक। दूसरा चीज क्या करता है, पहला कि बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है उसका, ठीक है, और तीसरा काम करता है कि अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट ना हो। ठीक है, अगर मान लो कि हम कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म देखते हैं ना मूवी में, आता है गोरिल्ला एक ऐसा आ गया जो ऐसा म्यूटेटेड हो गया, ठीक है, तो उसका कोई एक एडवर्स इफेक्ट इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम में मेरे ना हो। कोई मान लो एकदम अजीब सा कुछ ऑर्गेनिज्म आ गया मेरे इन्वायरमेंट में, जो इन्वायरमेंट को बहुत एडवर्सली इफेक्ट करा है, या पार्थिनियम ग्रास जैसा कोई प्लांट आ गया जिसको फिर वो ड्रग रेसिस्टेंट है, वो ग्रो उसका अबंडेंस ग्रोथ हो जाए, तो इस तरीके की चीजों से बचने के लिए एक कमिटी है जो ये काम करती है। तो पहला पॉइंट क्या करती है,
मोर्टैलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटी, दूसरा बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस और तीसरा इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम देख के ये बोलती है कि भाई ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से पता नहीं बाबू, पता नहीं चेंज हुआ या नहीं हुआ। हाँ ठीक है, तो चलो अगला। बाकी क्या हो रहा था? बाकी उसके बाद फिर क्या हो रहा था कि एक और इश्यू आता था जिसको हम कहते थे तुम्हारा बायोपायरेसी। क्या होता था कि दूसरा इशू आता है जिसको हम कहते हैं बायोपायरेसी। बायोपायरेसी में क्या हो रहा था कि जैसे अभी चीज समझो, कोई भी चीज है, कोई भी चीज होता है, एक होता है उसका कहते हैं बायो पेटेंट। सबसे पहला चीज होता है जिसको हम कहते हैं बायो पेटेंट। इसका मैंने स्लाइड लगता है हटा दिया, तो एक कॉम्पोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं बायो पेटेंट। जगह मिल जाए तो कहीं मैं पढ़ा दूं उसको। हाँ देखो, एक कॉम्पोनेंट होता है इसको हम कहते हैं बायो पेटेंट। कुछ चीज समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को ध्यान से समझना। क्या पॉइंट होता है कि सपोज मान लो कोई सामान है, कोई सामान है, सपोज मान लो कि मैंने इंसुलिन बनाया, ठीक है, जैसे एक कंपनी है, जैसे एली लिली है, एली लिली इंसुलिन बनाई, ठीक। अब इस इंसुलिन का कुछ सर्टेन कॉस्ट होगा, मान लो ये इंसुलिन को बनाने का कॉस्ट है ₹10, ठीक है, इस इंसुलिन को बनाने का कॉस्ट है ₹10, ठीक है। कल को मेरी कंपनी, ठीक है, आनंद मेरा कंपनी, ठीक है, मैंने क्या किया, इस इंसुलिन का कंपोनेंट देख लिया ये कैसे बनता है, ठीक है, और इस इंसुलिन को मैंने बना लिया ₹10 में, ठीक है। एली लिली ये इंसुलिन जो है ₹100 में बेच रही थी, ठीक है, हम क्या किए, इस इंसुलिन को ₹50 में बेच दिए, तो बढ़िया है ना। अगर हम इसको ₹50 में बेच रहे हैं तो अच्छा है, पहला तो क्या हुआ कि मेरे मेडिसिन का दाम सस्ता हो गया। बट हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इसका पेटेंट एली लिली कंपनी के पास है, तो क्यों हमको बायो पेटेंट देना जरूरी है? इकोलॉजिकली अच्छा है ना, अगर हम बायो पेटेंट नहीं देते तो क्या होता कि हम दवाई का दाम कम हो जाता। आज इंसुलिन इतना महंगा है, इंसुलिन इतना कम हो जाता, दाम कम हो जाता। तो पेटेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों है पेटेंट जरूरी, पेटेंट मेरे लिए साइंस और डेवलपमेंट के लिए क्यों जरूरी है? सम्राट बेटा उसके लिए अलग कहानी है। थैंक यू इंद्रजीत, थैंक यू रितिका। चलो चलो बताओ बताओ। हाँ मीन चोरी करना है तो अगर मान लो हम बायो पेटेंट हटा देते, लॉजिक समझो, समझो जो पूछ रहे तुम लोगों को समझो थोड़ा। सर खुद का कंपनी खोल दिया। अरे ठीक है ठीक है, ताकि कोई गड़बड़ ना हो प्रोडक्ट में। नहीं गड़बड़ ना हो, देखो मान लो ये एली लिली इंसुलिन बेचारा बना रहा था, इसके आर एन डी होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना खर्चा हुआ होगा, तो ये पैसा कौन निकालेगा? फिर तो कल को यही हो गया कि कल को हम कुछ बनाए और बनाने में हम 10 साल लगाए, 10 साल हम कुछ नहीं किए और 10 साल मेरा जितना खर्चा हुआ, और कल को कोई आदमी आएगा और उसका अपने से बना लेगा और उसका हो गया, वो आदमी एकदम आराम से उसको भेज देगा। इस मेरा कोई खर्चा नहीं हुआ बैकग्राउंड में, इस बेचारे का 10-12 साल का खर्चा हुआ रिसर्च और डेवलपमेंट, तो इसका पैसा कौन देगा? तो इसलिए पेटेंट जरूरी है, फिर तो लोग रिसर्च करना छोड़ देंगे, है ना। रिसर्च है तभी तो बायो पेटेंट देते। तो पेटेंट होता है कि कोई चीज, जैसे सपोज मान लो कि ये पेंसिल मैंने बनाया, तो कल को अगर मैं इसको रजिस्टर्ड कर देता हूं पेटेंट में, मतलब कि ये मेरा बनाया हुआ चीज है, तो कल को कोई भी कंपनी इसको बनाएगी तो बिना मेरे परमिशन लिए वो नहीं बना पाएगी। जैसे एप्पल का ये जो लाइटनिंग प्लग होता है, देखते हो ना, एक लाइटनिंग चार्जर होता है एप्पल का, तो वो उसका पेटेंट है। एप्पल सब कुछ पेटेंट करा लेती है, अपना सब कुछ पेटेंट करा लेती है। तो क्या हुआ, कल को कोई दूसरी कंपनी उसको यूज करेगी या उसकी टेक्नोलॉजी को यूज करेगी, तो उसको एप्पल को कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं बायो पेटेंट। तो ये प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, बट इससे बहुत ज्यादा नाटक भी होने लगा। जैसे इंडिया जैसे बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज ऐसे थे जो कॉलोनियल राज में थे, मतलब जैसे ब्रिटिशर्स आते थे। अब हम लोग आजादी लेके पेटेंट का पता करें तो हम लोग को बहुत कुछ नहीं पता था कि बायो पेटेंट कैसे काम करता है या वगैरह वगैरह कैसे काम करता है, तो इसलिए हम उसके वॉट इज एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। बाबू एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट होता है जैसे जितने पेटेंट है उसको सबको एक्यूमुलेट करते हैं, उसको एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। हाँ
अब पेटेंट डिपेंड करता है, नहीं बहुत सारा पेटेंट अलग अलग होता है, कुछ 20 साल का टर्म्स है, कुछ 10 साल का टर्म है, कुछ 5 साल का टर्म है, बेस्ड ऑन द प्राइस या जो रिसर्च और डेवलपमेंट पे क्या पैसा लगता है उसके हिसाब से पेटेंट के टर्म्स एंड कंडीशन और नॉर्म्स डिसाइड होते हैं, जिसमें कॉस्टिंग मेरा कंपनी डिसाइड करेगा, पेटेंट का कॉस्टिंग मेरा कंपनी डिसाइड करता है। अब बायो पेटेंट कैन बी ग्राफ्टेड फॉर एनीथिंग, एनीथिंग बहुत सारी चीजों के लिए पेटेंट है। हाँ तो देखो होता क्या, देखो समझो समझो क्या, बिल्कुल सही लाया, आई आई विल मेक इट, आई आई मेक मेक अ सजेशन कि कैसे मैंने पढ़ाई की थी, बिल्कुल आई विल, डोंट वरी, अभी पहले इस पे बात कर लेते, ठीक है। सुनो तो क्या हुआ कि ड्यू टू दिस क्या हो रहा था, बहुत सारी दिक्कत होता, तो हुआ क्या कि जब इंडिया कॉलोनियल राज में था, ठीक है, तो एक 1997 में, ये तो अभी हाल फिलहाल की बात है, ठीक है, एक कंपनी आई, क्या किया भाई, वो जितना बासमती राइस है, इंडिया में एक बासमती राइस प्रोड्यूस होता है उसको हम नोवेल्टी कहते हैं, मतलब वो हमारा बासमती राइस है, ठीक है, उसमें क्या किया, थोड़ा बहुत चेंज करके, थोड़ा बहुत जैसे मतलब उसको बाय बर्सी, जैसे सपोज मान लो कि ये बोतल है, ठीक है, ये जग है, ये मेरा वो है, एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरे नाम पे पेटेंट है, अब हम क्या करें कि इस जग का कलर लाल कर दें, इस जग का कलर लाल कर दें और अपने नाम से इसका पेटेंट रजिस्टर करा लें, तो सही बात होगा, हम कुछ नहीं किए, हम क्या किए, सिर्फ इस जग का कलर लाल कर दिए और अपने नाम से पेटेंट रजिस्टर करा लिए, तो क्या ये सही बात होगा, नहीं। तो इसी तरह की कंपनी करती है, मतलब बहुत सारी कंपनी ऐसा काम करती थी, जैसे बासमती राइस है तो बासमती राइस में थोड़ा बहुत कुछ चेंज करके अपना यूएस में बासमती राइस बेच रही है, टर्मरिक में थोड़ा बहुत कुछ चेंज करके अपना यूएस में वो टर्मरिक बेच रही है, ब्रेजीन एक होता है, एक वो स्वीटनर होता है, ठीक है, अफ्रीका में मिलता है, वो ब्रेजीन में वो शुगर कैन से एक्सट्रैक्ट होता है, तो वो ब्रेजीन में थोड़ा चेंजेस करके इस तरह से वो काम करने लगती है, जो इसमें दिक्कत होता है। हाँ भाई सर, यूएस पेटेंट ऑफिस की ग्रांट करता है या कोई और भी, कोई भी कर सकता है बाबू, देखो पेटेंट सब जगह का है, इंडियन पेटेंट बिल भी है सब जगह का, यही दिक्कत होता है ना कि कल को मान लो कि मैंने कुछ बनाया, ठीक है, मैंने मान लो कि कुछ ही बना दिया, कुछ लाइटर बना दिया, ठीक है, अब मैंने ये लाइटर बना दिया, ठीक, अब क्या हुआ, कल को मेरा कोई एक दोस्त यूएस से आया, ठीक, बोला अरे यार बड़ा अच्छा लाइटर है, बहुत बहुत अच्छा लाइटर है, क्या करना है भाई, तो वो चला गया, आपने वो देख लिया हम कैसे कैसे लाइटर बनाते थे और इस लाइटर का सिर्फ एक कंपोनेंट हटा दिया, बोला कि नहीं इसको ऐसे है ना, हम इसमें एक गोल ऐसा रिंग वाला लगा देंगे, उस रिंग से खुलेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो उसके नाम पे पेटेंट हो गया, आइडिया मेरा था बट वो उसको चोरी करके लेके चला गया, तो दिस इज वॉट बायो पायरेसी इज, दिस इज वॉट बायो पायरेसी इज। क्या हुआ सनी, हाँ जी यूएसए, रितिका मैं बताता हूँ बाबू, उसमें मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, टेंशन मत लीजिए, है ना। ठीक है, समझ में आया, तो इस तरह से होता है, तो जैसे आप देखो जैसे राइस इंडिया में राइस जो प्रोड्यूस हुआ है, तो इंडिया में लगभग 2 लाख वैरायटी ऑफ राइस है, ठीक, अब इसके बाद क्या है कि बासमती राइस के पास 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज है जो इंडिया में ग्रो होता है, ठीक, अब क्या हुआ कि 1997 में एक अमेरिकन कंपनी आई और वो पेटेंट राइट ले लिया बासमती राइस पे थ्रू यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, ठीक है, दिस अलाउड द कंपनी टू सेल अ न्यू वैरायटी ऑफ बासमती राइस इन यूएस एंड अब्रॉड, मतलब कुछ नहीं किया, इंडिया वाला ही बासमती राइस था, उसका थोड़ा बहुत पैकिंग वैकिंग चेंज किया और जाके उसका पेटेंट जाके वहां से ले लिया, यूएस में कहां से बासमती राइस उगने लगा भाई, है ना, तो ये पेटेंट उसको मिल गया, अब इसमें तो ये जो न्यू वैरायटी बासमती राइस ये लोग था कुछ नहीं था, ये इंडियन वैरायटी का ही था जहां पे क्रॉस किया गया था बासमती राइस को सेमी ड्वार्फ वैरायटी और उसको इन्वेंशन और नोवेल्टी क्लेम कर दिया, मतलब क्या किया कि एक सेमी ड्वार्फ वैरायटी था राइस, ठीक है, और इसको ये नॉर्मल बासमती राइस के साथ क्रॉस कर दिया और इसको बोल दिया ना ना भाई ये मेरा इन्वेंशन है और ये नोवेल्टी है और इस बासमती राइस को बेचने लगा सेम टर्मरिक के साथ और बहुत देशों के बहुत चीजों के साथ ऐसा करने लगा, तो इसको हम बायो पायरेसी कहते हैं, ठीक है, तो बायो पायरेसी इज द टर्म यूज टू रिफर द यूज फॉर बायो रिसोर्सेस बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथोराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न विदाउट प्रॉपर पेमेंट, ठीक है, तो जितना राइस एक्चुअली बनना चाहिए, जितना बासमती राइस एक्चुअली यूएस में जा रहा है उसका एक शेयर हम लोग को मिलना चाहिए था बट मिल नहीं रहा जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, राइट। हाँ तो इसलिए ठीक, चलो अगला,
तो क्या है, तो यही तो, यही तो देखो, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज, ये चीज लाइन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज नेशन आर रिच फाइनेंशियली बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। ठीक है, हम लोग के पास बायोडाइवर्सिटी रिच है और बायो रिसोर्सेज भी ज्यादा है, तो ट्रेडिशन दूसरे कंपनी दूसरी देश यहाँ आते हैं और यहाँ से हम लोग का पेटेंट लेके चले जाते हैं, तो इसके लिए हम लोग बायोपायरेसी से फाइट करने के लिए हम उन उन पेशेंट पे क्लेम अप करना स्टार्ट कर दिए, तो ठीक है, तो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम हो जाएगा। कल को मान लो ये सब चीज़ पे पेटेंट कराते जाएगा और मेरे यहाँ ही कोई प्रोडक्ट बन रहा है और उस प्रोडक्ट का पैसा हमको किसी और को देना पड़ेगा, तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए अभी इंडिया में एक बिल बना है जिसको हम कहते हैं इंडियन पेटेंट बिल, इसको हम कहते हैं इंडियन पेटेंट बिल दैट टेक्स अस इश्यू इनटू कंसिडरेशन और पेटेंट के हिसाब से जाके उस पेटेंट लेने का काम करता है। FIR फाइल नहीं कर सकते बच्चों, इसमें इसमें FIR नहीं होता, इसमें आप केस कर सकते हो, सिविल केस है ना, सिविल केस में FIR कहां से फाइल करोगे भाई। हाँ, राइस वैरायटी का बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में कुछ और दिया नंबर, बट ठीक है कोई बात नहीं, वही आएगा। अगर जनरली अगर वैरायटी ऑफ राइस पूछता है तो बासमती राइस का वैरायटी बोलता है। हाँ ठीक है संकेत, थैंक यू। चलो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा टाइम बचा है, हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन खेल लेते हैं। चलो चैप्टर हो गया खत्म और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो फटाक फटाक क्वेश्चन करते हैं। चलो आ जाओ, 10 मिनट बचा है अभी, हम लोग कुछ अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो, अ ट्रांसजीनिक फूड क्रॉप विच इज हेल्प इन सॉल्विंग नाइट ब्लाइंडनेस। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन है, नाइट ब्लाइंडनेस के लिए जल्दी बता दो, नाइट ब्लाइंडनेस को क्योर करने के लिए। हाउ टू अप्लाई फॉर पेटेंट, देखो इंडियन पेटेंट कमीशन है, बाकी जगह पे भी ट्रेडमार्क ऑफिस होता है, जैसे सपोज हर चीज के लिए ट्रेडमार्क और पेटेंट होता है। सपोज मेरे कंपनी का लोगो है, मेरी कंपनी है कोई भी है, जैसे अनअकैडमी है, ठीक है, तो ये अनअकैडमी का लोगो आप कोई और यूज नहीं कर सकता, अगर जो एम्प्लॉय है उसका वही यूज करता है, तो उसका भी पेटेंट होता है। ठीक है, कि अब ये सेम लोगो उसका ट्रेडमार्क हो गया, तो अलग ट्रेडमार्क ऑफिस होता है, पेटेंट ऑफिस होता है, जो हर चीज के लिए एप्लीकेबल होता है। जैसे मेरा सपोज मान लो मेरा नोट्स ही है, ठीक है, जैसे एनसीईआरटी है, अब एनसीईआरटी का कोई इमेज तक हम यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, जैसे अब एनसीईआरटी ओपन रिसोर्स है तो आप निकाल लो, ठीक है, कल को कोई किसी किताब का कोई मैं इमेज यूज कर रहा हूँ तो वो भी कॉपीराइट होता है उसका। ठीक है, हाँ जी, वन इज करेक्ट आंसर, बहुत अच्छा, गोल्डन राइस होता है, विटामिन ए इनरिच राइस, विटामिन ठीक है। फ्लेवर सेवर क्या होता है मेरा, फ्लेवर सेवर होता है लैक ऑफ एंजाइम, हम एंजाइम हटा देते हैं, कौन सा लैक ऑफ एंजाइम, पॉली गैलेक्टोरिनेज, पॉली गैलेक्टोरिनेज, ठीक है, तो जिससे मेरा क्या होता है, जिससे मेरा डिग्रेडेशन ऑफ पेक्टिन नहीं होता। बीटी सोयाबीन यूज करते हैं हम, इंसेक्ट रेसिस्टेंट होता है, ठीक है, और स्टारलिंग मेज मेरा न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाता है, प्रोटीन रिच होता है, इसमें प्रोटीन ज्यादा होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ काइंड ऑफ एक ही होता है, देखो कॉपीराइट कंटेंट के लिए आपके, ठीक है, जो रिटेन कंटेंट या आप किताब लिख रहे हो, किताब भी आप कितने रिसर्च करके लिखते हो, कल को कोई मान लो कि जेरॉक्स कंपनी आया उसको कॉपी करके निकाल दिया, तो कॉपीराइट उसके लिए होता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर क्या होता है, पता नहीं बाबू मुझे ज्योग्राफिकल इंडिकेटर क्या होता है। चलो अगला देखो, नहीं बेटा अच्छा किताब नहीं, अब एम्स वाला कोई किताब नहीं, एनसीईआरटी बेस्ड किताब पढ़ो ना, बायो के लिए सिर्फ एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनसीईआरटी टू फिंगर टिप्स और एग्जाम्पलर, बस और कोई किताब नहीं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का कुछ करेंगे, ठीक है, रात में 9 बजे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का। चलो क्वेश्चन देखो, आंसर देखो, फंक्शन ऑफ ब्रेन पे धर्मेंद्र वीडियो बनाया हुआ है बेटा, सीएनएस पढ़ा दिया, रितिका ए, सनी ए, चलो चलो जल्दी जल्दी आंसर, जल्दी जल्दी आंसर दो। हिना ए, कीरा ए, संध्या, सनी ए, निहारिका ए, चलो
कैसे ब्लॉक करते हैं बाबू? वो जो जीन बनाता है वो एंजाइम, वो जीन हटा देते हैं तो ब्लॉक हो जाता है। क्या है भाई? फ्रस्ट ट्रांसजीनिक बफेलो। ट्रांसजीनिक बफेलो तो होगा नहीं, इसको काट दो। ठीक है, ठीक, फर्स्ट ट्रांसजेनिक बफेलो तो है ही नहीं, गलत है। ठीक, फिर क्या बोल रहा है? ये ट्रांसजेनिक काउ थी, रोजी चाची थी अपनी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? देयर आर सर्टेन मिस्टेक्स, तो विच ऑफ द टू स्टेटमेंट हैव मिस्टेक। कैसे तुम लोग ये कह रहे हो भाई? पहला जो है, पहला तो मिस्टेक ही है ना, पहला तो गलती ही है, पहला तो गलती है, मिस्टेक पूछ रहा है ना। है ना, पहला तो गलती है ना, मिस्टेक पूछ रहा है तो ये गलत है। ठीक है, दूसरा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज इन आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम अदर मैक्रो मॉलिक्यूल। देखो टेक्निकली ये स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, ये क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करता है फ्रॉम डीएनए, बट कहीं भी क्वेश्चन है ना, कहीं क्वेश्चन पढ़े होगे, एनसीईआरटी में लिखा रहता है डाइजेशन ऑफ, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, लिखा रहता है कहीं कहीं, देखोगे डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इसलिए इस स्टेटमेंट को हम सही मान सकते हैं, इसलिए स्टेटमेंट को हम सही मान सकते हैं। ठीक है ना, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो इस स्टेटमेंट को हम सही मान लेते हैं। ठीक है, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस इज वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बिल्कुल नहीं, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस वन ऑफ द स्टेप, मतलब ठीक है, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस तो वैसे हो सकता है, लास्ट स्टेप हो गया ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये भी ठीक है, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस इज द स्टेप ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आर डीएनए में मेरा डिजायर्ड होस्ट तक ही हो गया ना, डिजायर्ड डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस उसके बाद आ गया। ठीक है, नहीं इसको नहीं रखोगे, ये स्टेप नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या होगा? डिसार्म पैथोजन वैक्टर्स आर ऑल्सो यूज इन ट्रांसफर ऑफ आर डीएनए इन टू होस्ट। डिसार्म पैथोजन वैक्टर्स आर ऑल्सो यूज इन होस्ट, ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तो टू और फोर सही है, टू और फोर सही है, तो गलत क्या हो गया? वन और थ्री, तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, सी इज द करेक्ट आंसर। नहीं, क्वेश्चन सही है, सी इज द करेक्ट आंसर, जिसका थ्री आंसर उसका सही है। ठीक है, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस आर डीएनए का पार्ट नहीं होगा, है ना, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस आर डीएनए का पार्ट नहीं होगा। हाँ, टू थ्री कैसे हो? टू थ्री नहीं बोल रहे बाबू, टू और फोर, ये तुम्हारा वन और थ्री बोल रहे हैं, ये रोजी चाची और वन और थ्री बोल रहे हैं ना। हाँ, सी होगा। ठीक है, कृष्णा एलिसा से ज्यादा डिफेक्ट इफेक्टिव तुम्हारा पीसीआर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पढ़ो एनसीईआरटी का लाइन है बाबू, किसी भी डीएनए को हम डाइजेशन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो उस तरह से देखो, तो उस तरह से क्या हुआ कि हम डीएनए को सेल से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। हाँ, आइसोलेशन ऑफ डीएनए सडन ब्लॉटिंग, सडन ब्लॉटिंग से डीएनए का थ्रेड निकालते हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स होता है, सेलुलेज काइटिनेज वगैरह। वन, बिल्कुल, फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल जो हुआ था मेरा ए डिफिशियंसी पे हुआ था, ए डी ए डिफिशियंसी भी दिया था, और तुम्हारे एक चीज एनसीईआरटी में गलत दिया है। ठीक है, एनसीईआरटी में एक चीज गलत दिया है कि जो मेरा जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज ऑलवेज अ परमानेंट क्योर। कैसे? ये टेम्पररी हो सकता है। ठीक है, अगर कोई बोलता है टेम्पररी होता है तो पूछना उससे। ठीक है, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज अ टेम्पररी क्योर फॉर एडीए जीन, बट बोन मैरो ट्रांसप्लांट अगर आप कर रहे हो तो नया लिम्फोसाइट बनेगा, तो इट इज अ परमानेंट क्योर, इसमें कभी टेम्पररी हो नहीं सकता। ठीक है, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज अ परमानेंट क्योर, इसमें याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन, हाँ जी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डीएनए सदर्न ब्लॉटिंग, आरएनए नदर्न ब्लॉटिंग और प्रोटीन वेस्टर्न ब्लॉटिंग,
कल्टीवेशन ऑफ बीटी कॉटन हैज बीन मच इन न्यूज, द प्रीफिक्स बीटी मींस, बच्चा वाला क्वेश्चन है यार, इससे ज्यादा क्या इजी होगा। हाँ बताए थे, अच्छा चलो गुड सनी, ठीक है ठीक है। नहीं बेटा नीट में सेशन रीजन का क्वेश्चन नहीं आएगा, ये फाइनल हो गया, ठीक है। डी बिल्कुल सही, डी इज द करेक्ट आंसर, ये बच्चा वाला क्वेश्चन था, कैरिंग एन एंडोटॉक्सिन जीन फ्रॉम बैसिलस थोरिजेनिस, बिल्कुल डी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, बी इन बीटी कॉटन इंडिकेट्स दैट इट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ टू कॉम्पिटेंट कंप्लीट प्लांट सेल्स कैरिंग डिजायर्ड जीन। ए 3-1-C-1-C, देखो द एंटी कोएगुलेंट हीरोडीन, करेक्ट पूछ रहा है ना, द एंटी कोएगुलेंट हीरोडीन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ट्रांसजीनिक, बिल्कुल सही, ब्रेसिका नेपस, ब्रेसिका नेपस से हम हीरोडीन निकालते हैं, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फ्लेवर सेवर प्रोडक्शन ऑफ इथिलीन नहीं होता, फ्लेवर सेवर में होता है पॉली गैलेक्टूरिनेज, जो डिग्रेडेशन ऑफ पेक्टिन को प्रिवेंट करता है, डिग्रेडेशन ऑफ पेक्टिन को प्रिवेंट करता है, तो ये गलत है, ये गलत है, और बीटी में बैसिलस थुरिंजेनिसिस है तो ये भी गलत है, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला, अच्छा पहले कराया, कहाँ कराया था बाबू, देवांशी तुम सबको अपना दास्तान बताते जा रहे हो। अ ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड वाइडली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजीनिक प्लांट, अ ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड वाइडली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजीनिक प्लांट, जल्दी बताओ बेटा, 550 के आसपास तो आजकल चाहिए होगा, है ना जतिन। डी बिल्कुल, एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस का हम निकालते हैं टी आई प्लाज्मिड, और इस टी आई प्लाज्मिड को हम डिसआर्म करते थे, ठीक है, डिसआर्म करके हम इसको डालते थे, ठीक है, तो ये ठीक है। दूसरा हम क्या होता है कि एनिमल के लिए यूज करते थे हम रेट्रोवायरस, तो एनिमल के लिए हम यूज करते थे रेट्रोवायरस। अगला, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी फटाक से, इजी क्वेश्चन नहीं तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। हाँ जी बच्चा वाला क्वेश्चन है, जल्दी देखिए अगला क्या है। Which of the following is correct for level A, B, C and D in the given maturation of proinsulin into insulin? ठीक है, ये मेरा हो गया free peptide, जो मेरा C होगा, ठीक है, ये मेरा हो गया insulin और ये मेरा हो गया proinsulin। ठीक है, और इसमें आ जाएगा एंजाइम काम करेगा जो पेप्टाइड को तोड़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा पेप्टाइडेज, तो ए प्रो इंसुलिन, बी पेप्टाइडेज, सी इंसुलिन और डी फ्री सी पेप्टाइड, डी फ्री सी पेप्टाइड, बिल्कुल सही, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन,
लास्ट क्वेश्चन है गाइस, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी, लास्ट क्वेश्चन है उसके बाद फिर कल करेंगे। कहाँ फिजिक्स चार्ट हुआ हीरो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक प्लांट रेसिस्टेंस टू, किससे रेसिस्टेंट होता है? कोई नहीं। हाँ चलो चलो जल्दी बताओ, साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए हैज बीन यूज इन प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट रेसिस्टेंस टू। बिल्कुल सही, निमेटोड, इट इज रेसिस्टेंट टू निमेटोड। बिल्कुल सही, निमेटोड होता है माइलीरोजाइन इनकॉग्निशिया। कितना अच्छा नाम है इनकॉग्निशिया, जो मेरा साइलेंसिंग ऑफ आरएनए कराता है व्हेन इट इज इन्फेस्टिंग टोबैको प्लांट। ठीक है, चलो फिर आज इतना ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, पीडीएफ डाउनलोड करना और उसका आंसर देख लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है गाइज, मुझे आप यहाँ फॉलो कर सकते हैं unacademy.com/user/anandsir01 पे, यहाँ पे आपको स्पेशल क्लास मिलेगा, आज भी स्पेशल क्लास है आपका। ठीक है, आज स्पेशल क्लास है आपका 10:30 PM पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, 10:30 PM पे आज आपका स्पेशल क्लास है, हम लोग क्वेश्चन क्वेश्चन खेलेंगे। ठीक है, सेकेंडली गाइज, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। ठीक है, मैं आपके लिए दो वीडियो बनाने वाला हूँ कि नीट का 2020 का क्वेश्चन कैसा आएगा, ठीक है, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, पैटर्न कैसा होगा, अब जो हम लोग को थोड़ा क्लैरिटी मिल रहा है, और आपको कितने कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे बेयर मिनिमम कौन से स्टेट में मेडिकल कॉलेज पाने के लिए, तो आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आपका क्या हालत है और क्या प्रोबेबिलिटी है एडमिशन होने के लिए। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, देखो ये बहुत वेग होगा, ठीक है, कि अभी तो एग्जैक्टली कुछ नहीं कहा जा सकता, बट कुछ हिसाब से जो नंबर ऑफ सीट्स कैसे बढ़ी, किस हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के हिसाब से एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, जितने लोगों को वीडियो चाहिए वो कमेंट ज़रूर करना, और भी मुझसे किसी तरह का वीडियो चाहिए आपको तो आप कमेंट कीजिए कि सर आप बताइए मुझे ऐसे ऐसे वीडियो बनाने। ठीक है, जो कमेंट ज़्यादा आएगा मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलो गाइस, सो दैट्स इट आज के लिए, कल मिलते हैं फिर, सॉरी अभी रात में 9 बजे ही मिल रहे हैं, कहाँ तुम लोग को बाय बाय बोल रहे हैं। ठीक है, 9 PM हमारी क्लास है अभी फिर से, ठीक है, तो 9 PM पे मिलते हैं, चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर।